जय माता दी। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए खुशखबरी कि आप सभी के सहयोग से मैंने 900 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं हूं बस में, उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि अभी ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे पालमपुर। आज हम पालमपुर जा रहे हैं, पालमपुर घूमते हैं थोड़ा। इससे पहले मैं पालमपुर अभी गया नहीं हूँ, तो आज पहली बार है, देखते हैं फिर कैसा रहता है एक्सपीरियंस पालमपुर का। और आप सभी से मिलते हैं अब आगे रास्ते में। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का यह प्यार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से शार्प टर्न्स पर मेरे द्वारा देखने को मिलेंगे। तो अभी हम चल पड़े हैं धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा लेते हुए बैजनाथ से एक लोकल बस में पालमपुर की ओर। पालमपुर जिला कांगड़ा का एक फेमस छोटा सा हिल स्टेशन जो कि बैजनाथ से 16 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आंचल में बसा एक खूबसूरत सा बस स्टैंड पालमपुर। यहां से हम बस पकड़ कर जाएंगे आज चामुंडा देवी। चामुंडा देवी मंदिर जो कि पालमपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। रास्ते के बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का मज़ा लेते हुए अब मैं पहुंचने ही वाला हूं चामुंडा देवी मंदिर के गेट के सामने, जो कि आपको यहीं सामने दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं चामुंडा माता मंदिर के द्वार पर और अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में माता के दर्शन करने को मिलेंगे हमें। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहां पे चामुंडा माता के मंदिर में। ये देखिए श्री चामुंडा मंदिकेश्वर धाम प्रवेश द्वार। तो अभी हम अपने जूते उतार कर हाथ पैर धोकर मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं चामुंडा देवी मंदिर में और अभी चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर मंदिर का एक इतिहास होता है और यह मंदिर भी इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर उत्तर भारत की 9 देवियों के में दूसरे नंबर पर दर्शन होते हैं। तो सौभाग्यवश आज हमें भी देवी चामुंडा जी के दर्शन करने का ये सौभाग्य मिला है। जीप कतरों से सावधान रहें, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं आज मंदिर में। मंदिर खोलने का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो दोस्तों ये ढलानदार सीढ़ियाँ उतरते उतरते अब हम पहुँचने वाले हैं माता रानी के मुख्य दरबार में, और जो कि मुख्य मंदिर है सामने, यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। आपको भी मैं यहाँ से माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। तो सामने लिखा था फ़ोटो लेना वर्जित है, इसलिए मैंने ज़्यादा कैमरा का यूज़ नहीं किया। आई होप आप सभी को माता रानी के दर्शन हो गए होंगे और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए होंगे। और अभी हम मंदिर परिसर में थोड़ी देर घूमेंगे। जय माता दी। चलो तो माता रानी के दर्शन करके अब हम थोड़ा बाहर की ओर निकले हैं और ये देखिए नीचे तालाब की सफाई हो रही है। तालाब के बीच में बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं शिव जी की और माता सरस्वती की, शेर की बनी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो सामने पुल जैसा दिख रहा है उसकी ओर, उसके साथ में ही नदी है जो कि एक विहंगम दृश्य देखने में लगता है यहाँ पर, और पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को अपनी ओर यहाँ पर समय बिताने के लिए आकर्षित करता है। बस उसी स्थान की ओर अभी हम जाएंगे यहाँ से। वो देखिए मेरे बिल्कुल सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा, झूला टाइप, बस वहीं हमें जाना है। और देखिए शेर की प्रतिमा वहाँ पर बनाई हुई है। बस इसी के साथ होते हुए हमें इस पुल के ऊपर से नदी के किनारे सामने जाना है।
और वो सामने देखिए आपको काफ़ी लोग इस नदी के किनारे बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बस यहीं पे हमें भी अभी जाना है और थोड़ी देर यहीं हम बैठ के यहाँ की खूबसूरती निहारेंगे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ झूला नुमा उस पुल पे और यहाँ से देखिए नंदीकेश्वर धाम माता चामुंडा देवी जी के मंदिर के दर्शन कितने ही बेहतरीन ये नज़ारा यहाँ से लग रहा है और काफ़ी सुखद अनुभव यहाँ पर हमें हो रहा है। मंदिर के साथ बहती नदी का पानी कल कल शोर करता हुआ बह रहा है जो कि काफ़ी प्यारा देखने में लग रहा है। तो आप भी थोड़ी देर चैन की सांस लीजिए और देखिए ये कल कल करता हुआ पानी जो कि एक मंद मंद धारा में बह रहा है और काफ़ी आकर्षित अपनी ओर कर रहा है जो कि यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देखिए लोग बीच में मस्ती करते हुए यहाँ पर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम नदी में चिल कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के और जय माता भाई और पानी का भी खुला है। पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं। और नदी है ये नदी का नज़ारा और ये देखिए यहाँ पे गणपति जी विसर्जित किए जा रहे हैं। तो गणपति बप्पा मोरया वो देखिए गणपति जी का विसर्जन यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी हम बैठ गए हैं नदी किनारे और अपने पैर हमने डाल दिए हैं पानी के अंदर जो कि है पानी बहुत ही ठंडा और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। पहले तो गर्मी गर्मी लग रही थी, अब सही हो गया है मतलब टेम्परेचर एकदम से। तो आधा एक घंटा रुकने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं मंदिर से बाहर, लेकिन यहाँ से राउंड अप करते हुए घूमते हुए जाएंगे। थोड़ी देर नदी किनारे बैठने के बाद अब हम घूमते हुए चल पड़े हैं यहाँ पे। देखते हैं अभी इतना ज़्यादा हमें भी पता नहीं है, लेकिन वो देखिए मेरे पीछे मंदिर और मंदिर के पीछे सुंदर सुंदर पहाड़, काफ़ी सुंदर ये प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पे देखने को लग रहा है। और अपने आप में एक बेहतरीन दिन आज हम गुजार रहे हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके, थोड़ा देर यहाँ नदी किनारे बैठ के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे, तो अभी आपने देखा मंदिर के एक साइड का नज़ारा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ दूसरी साइड आया हूँ वहाँ से कैसा लगता है मंदिर का दृश्य देखने में। तो थोड़ी सी यहाँ पे मॉडलिंग करके अब हम वापस चल पड़े हैं मुख्य द्वार की तरफ जो कि ये दूसरा रास्ता है जाने का। तो ये मंदिर के बाहर बाहर से रास्ता है, अभी हम बाहर बाहर जा रहे हैं और देखिए मुख्य मंदिर जाने के लिए इधर अंदर से रास्ता बना हुआ है। तो ये हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार के पास, गोल गोल घूमते हुए मुख्य द्वार के पास, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो ये हमने एक राउंड अप पूरा कर लिया मंदिर का। अरे देखिए, तो माता रानी के दर्शन करके अभी हम चल पड़े हैं वापस। अब देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है, कहाँ जाना है, फिलहाल तो अभी हमें कुछ पता नहीं है। बस माता चामुंडा देवी के दर्शन करने आए थे जो कि हमने अच्छे से कर लिए, थोड़ी देर यहाँ पे रुक भी लिए। अब यहाँ से भाई जी बोल रहे हैं कुछ सामान वगैरह खरीदना है, उसके बाद सीधा चलेंगे हम, फिर देखते हैं रास्ते में क्या बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता चामुंडा रानी के दर्शन करने का जब भी आपको सौभाग्य मिले आप यहाँ पर ज़रूर आइए और माता रानी के दर्शन पाकर खुद को लाभ पहुँचाइए।